नमस्कार, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं शैलवी। प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता रहे लक्ष्मीकांत शर्मा का मंगलवार यानी आज सुबह अंतिम संस्कार किया गया है। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें उनके पैतृक गांव सिरोंज में पंचतत्व में विलीन किया गया है। बता दें कि कोरोना से जंग लड़ते हुए सोमवार को उनका निधन हो गया था। आज सुबह पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का पार्थिव शरीर एक सुसज्जित वाहन में उनकी तस्वीर और फूल मालाओं के साथ गृह निवास सिरोंज लाया गया। उनके समर्थकों, रिश्तेदारों और ग्रामीण जनों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके अंतिम संस्कार से पहले उन्हें पुलिस की खास टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया है। दरअसल पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन कोरोना संक्रमित के बाद हॉस्पिटल में दो बार हार्ट अटैक आने से हुआ है। गौरतलब है कि सिरोंज में एक शिक्षक के रूप में सर्वमान्य शर्मा ने जब राजनीति में कदम रखा तो भाजपा में उनका बहुत बड़ा कद रहा। लगातार कई जीत के साथ वे कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे, लेकिन व्यापम मामले में उनका नाम आने के बाद से उनकी छवि धूमिल हुई। उसके बाद वे राजनीति परिदृश्य से गायब होने लगे। पिछली विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनकी बजाय उनके भाई उमाकांत शर्मा को टिकट दिया। बीच बीच में लक्ष्मीकांत शर्मा के भोपाल आने पर सियासी कवायदें बढ़ने लगती थी, लेकिन उनकी सक्रियता दोबारा नहीं हो पाई और आज उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है।